तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने द स्टेशन सीरीज़ के पार्ट टू में, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, SBM मेट्रो स्टेशन और यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने IIT स्टेशन के इतने मनमोहक नज़ारे नहीं देखे तो पहले आई बटन पर क्लिक करें और IIT स्टेशन को कम्प्लीट करें, देन उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के लिए और उसके बाद SBM मेट्रो स्टेशन के लिए। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए इन स्टेशन की डिटेल वीडियो पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ का काम आप लोग यार यहीं से देखो। क्रॉस आर्म पूरी तरह से तैयार हैं, स्टेशन के ऊपर का हिस्सा भी पूरी तरह से धीरे धीरे तैयार हो रहा है। बहुत जल्द यहाँ पर यू गर्डर्स लग के स्टेशन से ट्रैक्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम लोग इस स्टेशन के भी ऊपर जाएंगे, तो उनको बहुत बड़ा सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाना यानी कि अभी बहुत रिस्की है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से UPMRC को कोई प्रॉब्लम। लेकिन भाइयों और बहनों यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ी स्टेयर्स तैयार होती हैं, जैसे ही थोड़ा शेड लग जाता है, थोड़ा स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है, वैसे ही हम लोग आपको ऊपर के भी वीडियोज़ देंगे। बाहर से स्टेशन में काम करने वाले लेबर्स को देखकर हमें ऐसा लगता है कि UPMRC ने अपनी आधी लेबर फोर्स इसी स्टेशन पर डाल दियो और उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेशन में कितना जोरों शोरों से काम चल रहा है। दोस्तों अगर हम लोगों ने स्टेशन की पूरी सीरीज अलग बनाई है तो इसका मतलब उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। आप लोग देख सकते हो कल्याणपुर स्टेशन के लिए हम लोगों ने आपको कंपैरिजन अवेलेबल किया है। स्टेशन पे यहाँ पर बैरिकेड्स देखिए, एफकॉन्स अभी ना आपको नज़र आएगा, यहाँ पर सैम इंडिया का अभी नाम भी नहीं है। और आज के स्टेशन को देखिए कितना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, ये पिछले 4 से 5 महीने के अंदर ही हुआ है। यहाँ पर अभी फिलहाल डबल टी गर्डर्स लगने शुरू हुए थे 4-5 महीने पहले और कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया करता था आपको कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों जो लोग हमारी वीडियो शुरू से देखते हैं उनको पता है कि ये नज़ारा रात के 3 बजे का है। हम लोगों ने 3 बजे मेट्रो की एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लो यार, एक बार पुराना कोर्स रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं वर्तमान की वीडियो में और इस वर्तमान की वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि पिछले 4-5 महीने से यहाँ पर कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। यहाँ पर लेबर, फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि लेबर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाई गई है, यानी कि UPMRC इस स्टेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्लेटफॉर्म के काम में अभी थोड़ी सी कमी है, मतलब अभी पूरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर भी शेड ज़रूर लगा दी जाएगी और एक क्रॉस आर्म लगना बचा है और उम्मीद है जब हम लोग अगली वीडियो शूट करेंगे तब तक वो लग भी चुका होगा और क्या पता तब तक यूगढ़ से स्टेशन के प्लेटफॉर्म को कनेक्ट भी कर दिया गया हो। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ स्टेशन की स्टेयर्स के बारे में, तो ये मेरा ओपिनियन है, जी हाँ ये मेरा ओपिनियन है कि यहाँ से जो स्टेयर्स जा रही हैं आपको ऊपर दिखती हुई, वहाँ पर थोड़ा सा स्टेशन आगे बढ़ा हुआ है, देख सकते हो आप, वहीं से मेरे हिसाब से वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज निकाला जाएगा और जो राइट साइड में स्टेयर्स बनेंगी उन दोनों को कनेक्ट करके एक ही साइड से एंट्री कराई जाएगी। ये मेरा ओपिनियन है। फिलहाल अगली फुल वीडियो तक हमें उम्मीद है कि इसके बारे में हम आप लोगों को फुल नॉलेज दे देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच में जो बाउंड्री वॉल है उसे मजबूत किया जा रहा है, एल्युमिनियम पैनल्स के ऊपर भी वर्क किया जा रहा है और पूरी तरह से स्टेशन को कंप्लीट करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। यहाँ पे बैरिकेड के ऊपर अब एफकॉन्स की जगह सैम इंडिया बिल्ट वेल का नाम आप लोग देख सकते हैं और ये भैया वो बिल्डिंग्स जिनको भैया डायरेक्टली इतना फ़ायदा हो गया मेट्रो के आने से। और दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ की रोड्स के बारे में अगली वीडियो में, तो आप लोग यहाँ पर रोड्स की हालात तो देख सकते हो कि बिल्कुल बेहतर नहीं है, जी हम लोग उस बात को बिल्कुल मानते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पैच वर्क भी देख सकते हो, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, सड़क बेहतर भी है और ना भी बेहतर है।
तो ऐसा किस लिए है? वो ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएमआरसी का कहना है कि वो सड़क नहीं बना सकती 6 डिग्री के नीचे, और सड़कें बनाई जाती है रात को, और रात को टेम्परेचर हो जाता है आजकल 6 डिग्री के नीचे, तो कैसे सड़क कंप्लीट हो? इसलिए थोड़ा थोड़ा पैच वर्क करके काम चलाया जाता है। फिलहाल हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अप्रैल तक यहाँ पर सड़कों का काम चकाचक हो जाएगा स्टार्ट, और मेट्रो के काम के साथ साथ यहाँ की सड़कें भी अच्छी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा सहल हो यार, थोड़े टाइम की बात है। फिलहाल अब हम लोग पहुंच चुके हैं SPM मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ पर फिलहाल अगर क्रॉस आर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पर क्रॉस आर्म्स नहीं लगाए गए हैं, और अब फाइनली ये स्टेशन थोड़ा थोड़ा कल्याणपुर से पीछे आ चुका है। ये स्टेशन पहले लीड किया करता था कल्याणपुर को, लेकिन अब फिलहाल थोड़ा सा पीछे आ चुका है। यहाँ पर अगर लेबर की संख्या हम लोग बाहर से नापे तो वो भी थोड़ी सी कम मिलेगी हमें कल्याणपुर के मुकाबले। यहाँ पर काम फिलहाल बहुत तेज़ी से चल रहा है, पर उतना नहीं कि कल्याणपुर को अब ये पीछे कर पाए। आप लोग देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम स्टार्ट है, बट प्रॉपरली पूरी तरीके से अभी नहीं हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है जैसे ही कल्याणपुर स्टेशन का काम बाहर से पूरा कंप्लीट हो जाता है, अंदर फर्निशिंग का काम स्टार्ट होगा, तो स्टेशन को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई भी क्रॉस आर्म्स नहीं लगाए गए हैं, और स्टेशन का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। वही रीज़न है यहाँ पर स्टेशन के ऊपर ना जाने का। और इसके बारे में स्टेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टेयर्स अभी स्टेशन के आसपास कहीं भी नहीं बनाई गई हैं। हमें उम्मीद है जल्दी इसकी स्टेयर्स का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी स्टेयर्स भी दोनों साइड्स की ऐसे ही कनेक्ट होने वाली हैं जैसे हमने कल्याणपुर के बारे में कहा था। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, इसके बारे में अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पर आप लोगों को बताना चाहता था इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। फिलहाल अगर स्टेशन को हम लोग दूसरी साइड से देखें तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि स्टेयर्स का काम स्टार्ट हो चुका है। लगता क्या है, यहाँ पर स्टार्ट हो ही चुका है, और यहाँ पर स्टेयर्स को आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर स्टेयर्स कैसे आगे जाके बिल्कुल ट्रैक के बगल में कैसे जाके स्टेशन को ऊपर से कनेक्ट करेंगे? तो हमें उम्मीद है जो स्टेशन का हिस्सा आगे थोड़ा सा बड़ा हुआ है वहाँ से ही फुट ओवर ब्रिज से कनेक्ट करके दोनों स्टेयर्स एक ही साथ एंट्री की ओर जाएंगी। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये बात तो अब UPMRC फाइनल करके थोड़ी जल्दी हमें बता देगी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है स्टेयर्स को कम्प्लीट होने में, तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि क्या पता है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने ले लिए हैं स्टेशन के वर्तमान के नज़ारे, थोड़ा सा इसे कंपेयर करते हैं हमारे पार्ट टू नाइट वाले व्लॉग से। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट टू नाइट वाले व्लॉग में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी यू गर्डर ही नहीं लगाया गया था तब 4-5 महीने पहले। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा बहुत बड़ा हो गया हो, क्योंकि हम लोगों ने तो भैया पूरा बचपना साथ साथ में देखा है इन मेट्रो स्टेशन का, एक एक पार्ट में कैसे कैसे ये थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं। तो ये देखिए ये पार्ट टू में कैसा दिखता था, ये स्टेशन कुछ था ही नहीं यार, और अब देखो कितना बड़ा हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी SPM मेट्रो स्टेशन और कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन की अब तक की कहानी, और हमें पता है इन स्टेशन को अभी और आगे जाना है, तो हम भी इनके साथ साथ आगे जाएंगे और आप लोगों को पूरी की पूरी अपडेट देते रहेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि आप लोग भी हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।